ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं एम्बुलेंस की मिली सुविधा से। नीमच जिले को संजीवनी के रूप में 10 एम्बुलेंस की सौगात मिली है। इन एम्बुलेंस को हरी झंडी मंत्री सखलेचा ने दी है। इस दौरान विधायक परिहार और विधायक मारू भी मौजूद रहे हैं। देखिए खबर। प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने शनिवार को जिला अस्पताल परिसर नीमच में आयोजित कार्यक्रम में 10 संजीवनी एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक नीमच दिलीप सिंह परिहार, विधायक मनासा अनिरुद्ध माधव मारू, जिला पंचायत प्रधान अवंतिका मेहर सिंह जाट व अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस एस बघेल, संगीता भारती व सिविल सर्जन डॉक्टर ए के मिश्रा, अन्य चिकित्सक व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मंत्री श्री सखलेचा और अतिथियों ने संजीवनी वाहनों के चालकों को पुष्पगुच्छ बैठकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इन 10 संजीवनी वाहनों से मरीजों को रेफर की सुविधा उपलब्ध होगी और उन्हें त्वरित उपचार की सुविधा मिल सकेगी। मंत्री सखलेचा ने सिविल सर्जन कक्ष में आयोजित बैठक में विधायक परिहार व विधायक मारू के साथ जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लिया और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। जिले में आज 10 नए वाहन आज हमें मिले हैं। 10 नए वाहन हमने अलग अलग स्थान पे तय किए हैं क्योंकि ये सुविधा आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा उपयोगी और इसकी कमी के कारण हमें बीच में कई सांसद निधि, विधायक निधि से कई पंचायतों ने हमें छोटी एम्बुलेंस देनी पड़ी थी। उसमें वो सब सुविधा हम नहीं दे पा रहे थे जो सुविधा इस बड़ी एम्बुलेंस में डॉक्टर एंड अन्य हैं, क्योंकि डिलीवरी के लास्ट मिनट पे बहुत पीड़ा का समय होता महिला का और उस समय ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना हमारा कर्तव्य है। तो जैसे ही ये कोरोना से थोड़ा सा निपट कर सोचना शुरू किया तो ये सबसे प्राथमिकता में नहीं, बेसिकली ये जो बैठक हुई कि नीमच का इस अस्पताल का सही एक प्रॉपर मास्टर प्लान बनाया जाए ताकि आगे आने वाले समय में ये 500 बेड तक का जब अस्पताल करेंगे तो वो खिचड़ी ना बने, वो व्यवस्थित रहे, पेशेंट को भटकना ना पड़े, उसका मूवमेंट ईजी रहे और सब सुविधाएं उपलब्ध हो सके।